वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज फिर लेके आए हैं भाई आपके लिए एक और नया ट्रैकिंग व्लॉग। और इस टाइम हम हैं भाई कनाडा पोस्ट में। यहाँ से ट्रेलर पिक करना है हमें अभी, और पेपर वर्क ले लिया, उसका सील भी दे दिया उन्होंने। और अभी हुक बुक करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा रजाइना को। एक डिलीवरी हमारी रजाइना में है, दूसरी सस्कटोन में है। 850 किलोमीटर वन साइड, तो 1700 किलोमीटर का गेड़ा है हमारा। और लगाते हैं लोए लोए, बने रहो साथ में। लो जी मित्रों, ट्रक ट्रेलर हमारा रेडी है। वहाँ पे सिक्योरिटी गेट है, वहाँ पे जाके पेपर वर्क चेक कराने हैं और वो सील चेक करेंगे, और उसके बाद हम गुड टू गो हैं। फिर चलते हैं गैस स्टेशन पे भाई, ट्रक स्टॉप पे फ्लाइंग जे पे हमें तेल डलवाना है। ट्रेलर हमने चेक कर लिया, हालत थोड़ी इसकी खस्ता ही है, पर ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। अभी चलते हैं सिक्योरिटी की ओर। हेलो जी मित्रों, गुड टू गो हो गया। अभी बस विनीपेग से बाहर निकल रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके निकले यहाँ से। अब चले भाई सस्कटून को। आज रात को भी 11:30 बजे हमारी डिलीवरी है रजाइना में, और फिर 4 बजे है सस्कटून में, और 850 किलोमीटर है। अच्छा खासा टाइम है भाई हमारे पास। वैसे राइट मेरा था, और ये टर्न थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने उसको कहते हुए चला जा। दो तीन गाड़ियाँ हैं, इनको मैं करवा देता हूँ। और फिर लेफ्ट मारते हैं भाई। पता बात क्या है भाई, लेफ्ट तो वैसे भी लग जाना था हमारा इजीली, पर रिस्क क्यों लेना, और इजी करने की चीज़ को ट्राई करो जितना सिंपल कर सकते हो ना। लगाने को लेफ्ट लग जाना था, ऊपर से उठा के हम लेफ्ट मार देते, पर दो गाड़ियाँ थी, उनका स्टॉप सिग्नल था, हमारा नहीं था, हमने उनको निकाल दिया। इतने से वो भी खुश हो गए भाई, और हम भी अपना सेफली और सिंपली हमने लेफ्ट मार लिया। तो जितना चीज़ को सिंपल कर सकते हैं उतना हम ट्राई करते हैं ट्रैकिंग में। और मच्छर ने बुरा हाल किया भाई, अभी जाके इसको पंप पे जाके साफ करते हैं शीशे को। और इस साइड पे सारा भाई एयरपोर्ट है, ये सारा जो आप खाली मैदान देख रहे हो ये सारा एयरपोर्ट का है। और जो हमारा लोड है, हमने जो उठाया वो कनाडा पोस्ट से उठाया है। तो कनाडा पोस्ट एक जैसे हमारे इंडिया में पोस्ट ऑफिस होता है, वैसे यहाँ पे कनाडा पोस्ट होता है। तो एक चिट्ठियाँ वगैरह पार्सल वगैरह भेजने की कंपनी है, तो लोड इनका बहुत लाइट वेट होता है क्योंकि चिट्ठियाँ बैठे ही हैं। तो वो अभी लेके हम जा रहे हैं, और रात तो रात हमें पहुँचा देना है वहाँ पे सारी रात ड्राइव करके। और 4 बजे हम डिलीवरी कर देंगे, और सुबह 5-6 बजे ये ट्रकों में लोड होके लोगों के घरों में चिट्ठियाँ बटनी शुरू हो जाएंगी। चिट्ठियाँ हो गई या पार्सल या किसी ने कुछ ऑर्डर कर रखा है, तो वो सारा सिस्टम इसमें आता है। तो अगर हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो भी इसी में इसके थ्रू आती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई सामान भेज रहा है तो वो भी कैनेडा पोस्ट या पूरे लेटर या UPS, ये 2-3 मेन कंपनी है कैनेडा में, इनके थ्रू ही आता है सब कुछ। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टेड है राइट, तो ये थोड़ा उठा के मारेंगे। पहले स्टॉप साइन पर रुक जाते हैं, दोनों साइड पे क्लियर है भाई, और कैमरा भी हमारा हो गया था क्लियर, बचा लिया मैंने। अभी कोई चक्कर नहीं, बस अभी सारा ट्रक रूट ही है। वैसे था ये भी ट्रक रूट, थोड़ा सा कंजस्टेड था कंपेरेटिवली। अभी तो जो हमारा रोज की जिंदगी में घूमने वाला रोड है वो आ गया, और यहाँ पे कोई चक्कर इस साइड पे NW आ गया, कैमरे पे शायद आंख लगा हुआ। और रोडे देख लो भाई विनीपेग की, ये लोकल बस आ गई, लोकल ट्रांसिट की बस चलती है यहाँ पे। अभी हमने वेट करनी है, जब हमारी लाइट होगी तो चलेंगे, तब तक चाय का लुफ्त उठाते हैं। वो देखो भाई पे कैब पीटर बेल्ट फेडेक्स, ये भी फेडेक्स भी बहुत तगड़ी कंपनी भाई, ये भी चिट्ठी विट्ठी के काम करती है। UPS, कनाडा पोस्ट, क्यूरेटर और फेडेक्स, ये 4 कंपनी है जो इसमें जो हमारे पार्सल आते हैं, जो चिट्ठियां आती हैं, ये सारी चीज को डील करती हैं। जैसे कोरियर कंपनीज हैं सीधा बोलो तो ये देखो एक फेडेक्स का और आ गया,
पेंट का काम बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पे। चार ही कंपनियां पूरे कनाडा और अमेरिका में जो पूरे तगड़े लेवल पे डील करती हैं सारे सिस्टम। यूपीएस की तो सबसे बड़ी, मतलब फ्लीट भी ट्रकों की सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा ट्रक ट्रेलर है इनके पास, यूपीएस के पास। और इनके जो खुद के भाई जहाज भी हैं, तो जो इनके चिट्ठी पत्र है ना वो जहाजों पे आते हैं, तो वो मतलब खुद के जहाज डाल रखे उन्होंने, कार्गो प्लेन। और हमारी कंपनी ने भाई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो मेरी कंपनी है न्यू वे ट्रकिंग, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। भाई क्या स्कूटरी से ले घूम रहा है, अभी ये लेफ्ट मारना है ना हमें, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा राइट नहीं है। अगर हमें एरो आता है तो हम पहले लेफ्ट मार सकते हैं, पर यहाँ पे ग्रीन लाइट है तो पहले हम उसको कहते हैं भाई तू निकल जा, फिर मैं जाऊंगा। जा चला जा भाई चला जा। ये ट्रेनिंग सेंटर है, कोई ट्रक सीख रहा है अभी, अभी हमारी बारी आ गई, अभी हम लेफ्ट मार सकते हैं साथ से। तो ये देखो भाई यहाँ पे भी हमने चीज सिंपल कर ली, किसी को दो मिनट के लिए हम प्रायोरिटी दे देना कि हाँ भाई तू चला जा पहले, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है काम करना। अभी हमने आसानी से लेफ्ट मार लिया, अभी ये सारी रोड खुली डुली है बढ़िया, आगे जो लेफ्ट मारने हमने वो भी बहुत खुले हैं। इस साइड पे भी रेड रिवर कॉलेज है, ये बहुत फेमस कॉलेज है मैनिटोबा का, विनिपेग में पढ़ता है। और बाकी आपको दिखाते हैं नज़ारा साथ साथ में। ये चेक करो भाई, ये सपना है यार हमारा, हैवी हॉलिंग होती है भाई इन पे। टायर देखो कितने ऐसे, कितने एक्सल है। यहाँ पे अच्छे खासे ट्रक पार्क हो जाते हैं, पंप तो कोप का है, यहाँ पे तेल कम ही लोग डलवाते हैं, ज्यादातर एसओ या फ्लाइंग जैसे डलवाते हैं या पेट्रो से। और यहाँ पे टिम हॉर्टन और पंप दोनों चीज है, तो ये टिम हॉर्टन है जो 24 आवर ओपन होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग रुकना पसंद करते हैं, चाय भी उठा लेते हैं और अपना फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं। लो जी मित्रों, ओल्ड स्कूल आ गई यहाँ पे तेल डलवाने के लिए। टायर ट्यूब चेक करो इसके कितने खतरनाक है, ब्रांड पता नहीं कौन लग रहा है कि कौन सा है ये, पर गाड़ी पूरी खतरनाक है। बल्ले 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 देखो भाई, लो जी मित्रों चाय टी लाटे उठा लिए हमने, अभी सीधा लोकेशन पे जाके ब्रेक मारनी है। यहाँ से रह गया 223 किलोमीटर, ढाई घंटे की दूरी है और बढ़िया खुला डुला टाइम है हमारे पास, डेढ़ घंटा ऊपर ही है, तो बढ़िया आराम से मज़े से जाएंगे वहाँ जाके देखेंगे, अगर पहले डिलीवरी होगी तो अच्छा है, थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे सस्कातून को, नहीं फिर वहाँ पे वेट करेंगे। लो जी मित्रों बड़गोनी वाले फ्लाइंगे पे आ गए हैं और पंप भरना शुरू हो गया, रात का टाइम हो गया, लेकिन हमें तो भी आगे जाना है, पर यहाँ से हमें फ्यूल अप करना है क्योंकि पहले मैं वहाँ पे रुका नहीं पीछे, क्योंकि आधी टंकी थी मेरे पास और अभी रह गया सिर्फ एक क्वार्टर, तो यहाँ से तेल डलवा लेते हैं। और ट्रकों वाले भाई सो रहे हैं लगा के, देखो सामने यार पंप बड़ा फुल चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, सारी लाइनें भरी हुई हैं, तो अभी किसी के पीछे लगा के वेट करते हैं भैया। और तो क्या है, पीछे लगा लेते हैं, ये अकेले ही खड़ा है।
जी मित्रों शीशे वगैरह साफ कर लिए, पंप पूरा भाई पैक्ड है, पीछे अपने लाइनअप हो रखा है और दो तीन बंदे वेट कर रहे हैं भाई टोटल। मेरे पीछे दो बंदे वेट कर रहे हैं, थोड़े उधर कर रहे हैं, अभी ये ट्रक मूव हो रहे हैं, इनके पीछे आ जाएंगे धीरे धीरे। और शीशे पीछे हमने साफ कर लिए, तेल डलवा लिया, अभी डेफ डालना है, बस तेल कट ऑफ होने वाला है, एक टंकी में डल गया एक में डल रहा है, फिर चलते हैं आगे भाई। मित्रों डीजल फिल हो गया सारा, एक टैंक ये डीजल का होता है, ये जो हमारा छोटा टैंक है ये डेफ का होता है, जिसे यूरिया कहते हैं इंडिया में, तो इसकी अलग से नोजल लगी होती है, जो येलो नोजल होती है वो डीजल की है, और ये रेड वाली है जो सॉरी ब्लू वाली है ये डेफ की है। तो यहाँ पे बता भी रखा है डेफ ओनली। फ्यूल अप हो गया, अभी ट्रक थोड़ा आगे कर दें क्योंकि पीछे वाले बंदे को भी डलवाना है, तो फिर अंदर वॉशरूम ब्रेक ले सकते हैं। और दोनों साइड पे चलने से पहले नोजल जरूर चेक कर लेना, क्योंकि साथ में ना चली जाए नोजल उखड़ के, तो वो बाद में बड़ा चक्कर पड़ता है, पहले इससे अच्छा अपना चेक कर लो। अभी बस उसके बराबर लगा के जो ट्रक खड़ा है फिर हम अंदर जा सकते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता, 5-10 मिनट का ही होता है, भी अपना जो क्विक काम है वो कर सकते हैं, नहीं तो पार्किंग में लगा के आओ वहाँ पे और उसके बाद अपना करना है जो करो। पर लेकिन हमें बस 2 मिनट जाना है अंदर और आके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेटे वेटे बंद करके छोड़ती हूँ। यहाँ पे हमको राइट मारना है, ये आ गया भाई कनाडा पोस्ट की बिल्डिंग, तो ये डाउनटाउन के बीच में है बिल्कुल, और इस साइड पे डाउनटाउन चल रहा है, आगे जाके ख़त्म हो गया, छोटा ही डाउनटाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पीछे देख ले हम क्लियर है, और यहाँ से हमें अंदर घुसना है राइट मार के। और पहले सामने ट्रक लग रखा है भाई इसका, जल्दी मूव कर यार, हमें अंदर आना है भाई। भाई साहब ये बीच में लगा रहा है, मेरा ट्रक रोड पर रह जाएगा पीछे, अंदर कर इसको। लो जी मित्रों लोकेशन पे आ गए हैं, और अंदर जाने से पहले भाई वेस्ट वगैरह डाल ले, कि कनाडा पोस्ट का काम है, इन्होंने बैन कर दिया तो बाद में हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, तो वेस्ट और सेफ्टी शू यहाँ पे मस्ट है। और अभी चलते हैं पेपर लेके अंदर, फिर वो बता देंगे कि डॉग कौन सा है, और फिर लगाते हैं बैग। मैंने यार ड्रोन कार में भूल गया, नहीं तो आपको ड्रोन शॉट दिखाना था डाउनटाउन में बैग लगाते हुए। कैसी लगी आपके बाइक की बैकिंग स्किल? पहली बार में भाई हमारा लग गया डॉग पे बैक, 2 नंबर पे आगे ये 1 नंबर डॉग देते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, स्ट्रीट से लेके आना पड़ता है पीछे से, पर आज आसान था। व्हील चोक करने का भाई जो हमारा मकसद था वो ये था, क्योंकि ये ट्रक है जो भाई ये आइडल शेडोन पे लगा है, यानी अगर ये इसकी न्यूट्रल में और दोनों ब्रेक ट्रक की ब्रेक खींची हुई है तो ये थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है, तो मैंने इसकी व्हील्स चोक कर दिए और इसकी ब्रेक मैं खींचूंगा नहीं ताकि ये मूव ना करे, क्योंकि मेरे को डर रहेगा ना अगर ब्रेक नहीं लगी तो कहीं आगे पीछे मूव ना हो जाए, तो इसकी मैंने व्हील्स चोक कर दिए, 3 चोक लगा दिए, 2 हमने यहाँ का ढलान है नीचे को तो 2 सामने लगा दिए, 1 पीछे लगा दिए जस्ट इन केस, वैसे पीछे जाएगा नहीं। तो अभी मैं इसकी ब्रेक रिलीज करके
इसको ऑन रख सकता हूँ सारी सारा दिन, क्योंकि मुझे दिन में सोना है और यहाँ पे गर्मी होने वाली है दिन में 35-40 डिग्री, तो इसलिए मुझे एसी चाहिए होगा। जी मित्रों, वापसी का ट्रेलर उठा लिया हमने, फिरोलेटर से उठाया है और बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में है ये जहाज़ों पर आया है हमारा लोड। जहाज खड़े भी है, देखो भाई एक बड़ा जहाज ये खड़ा है भाई, और इन पर ही आया हमारा लोड और अभी लेके बस जाना है। ट्रेलर हमारा रेडी होता है, बस हुक करके निकलना होता है। अभी इंस्पेक्शन डाल रहा हूँ मैं इसकी और फिर चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको सारा सिस्टम रोड का आगे आगे। लो जी मित्रों, हेड माउंट लग चुका है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको सारा प्रोग्राम साथ साथ में। बढ़िया वाली फुटेज आएगी, इसको कर देते हैं बंद भाई, व्यू खराब होगा आपका। और लो जी, गुड टू गो आई एम। 835 किलोमीटर दिखा रहा है विनीपेग और 850 किलोमीटर है हमारा यार्ड, तो अभी ये भाई साहब कहाँ लगाए खड़े हैं बीच में, फिरुलेटर का लोड। ओके जी, कमेंट करके बता देना भाई ये फुटेज सही आ रही है कि नहीं। इसके लिए हमने ना इस बार नया सिस्टम किया थोड़ा ट्राई, तो बताते रहना अभी, क्योंकि इतने हम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ को लेके, पर कोशिश हमारी चल रही है। बाकी राइट मार लें पहले यहाँ से। लो जी क्लियर है, लो जी बस यहाँ से हमने बार बार से निकल जाना है अभी। वैसे तो दूसरी साइड पे हम सास्कटून के शहर क्रॉस करना है हमको सारा, पर बड़ा हाईवे जाता है तो इतना कोई चक्कर नहीं है, 2-3 लाइटें आएंगी कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा। ट्रेलर हमारा हमने चेक कर लिया, ठीक ठाक है बिल्कुल, और बस गुड टू गो है। ट्राईपॉड पड़ा है हमारा साथ में, इसको भाई गियर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, कभी गियर गुड़ डालने की फीलिंग लेनी हो तो यहाँ से गियर डाल सकते हो। मुँह से ही आवाज़ें निकालनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करके डाल दो बस, मैंने आ रही है ज़िंदगी में मज़े लेने हैं और क्या है। सर्कल ड्राइव यहीं से मारना है लेफ्ट हमको भाई, सर्कल ड्राइव से। ये भाई साहब क्या लेके जा रहे हैं पिक्के पे, किश्ती लेके जा रहे हैं किश्ती। लो जी मित्रों, यहाँ से बस हमने लेफ्ट मार लेना है, ये थोड़ी बिजी होती है लाइट, इसको रख देते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। साथ में कॉफ़ी का मज़ा लिया जा रहा है, पायलट से उठाई है मैंने अभी भी। यहाँ से लेफ्ट मारना है, उसके बाद हमारा सारा रास्ता सीधे ही है, बस 2-3 लाइटें आएंगी छोटी छोटी, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इस साइड पे होटल आ गया भाई देखो, और ये लाइट थोड़ी लेट होती है, बस ये हो गए तो चले जाएंगे हम। लो जी मित्रों, हरी बत्ती होगी हमारी, अभी मारते हैं लेफ्ट यहाँ से, बाकी सब रुक गए, अब हमें प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे पता नहीं यार बाइक वाले कैसे लेफ्ट मारते हैं, मुझे तो कभी कभी ये सिंगल ट्रेलर पे भी हार्ड लगता है कि ये थोड़ा कंजस्टेड है, बाइक वाले पता नहीं कैसे मार लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट। लो जी ये लाइटें हैं, बस अभी सीधे ही जाना है हमको, हाईवे 16 के ऊपर हम आ गए हैं, सीधा सीधा जाना है बस। और ये अभी 1-2-3-4-5 लाइटें आएंगी मेरे को लगता है यहाँ पे, एक पे हम रुके थे, ये दूसरी आ गई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6-7 हैं यार, ज़्यादा हैं। ट्रक देखो भाई पीटर वेल्ट, क्या बात है यार, वो भाई पानी में से निकाल रहा है भाई भी वॉल्वो। यहाँ पे अभी मैं जिम लगा के गया हूँ, यहाँ पे प्लैनेट फिटनेस है भाई हमारी, कौन से प्लाजे में आगे पीछे यहीं पे है, वहाँ से भी गया हूँ मैं और जाके बस हमने ट्रेलर हुक किया है। और यहाँ पे खाने की बहुत चीज़ें, देखो आर्बीज हैं पीछे, टिम हॉर्टन गया है, यहाँ पे बहुत कुछ है खाने के लिए अगर आपको रहना हो। पर यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे रोड के ऊपर ट्रक नहीं रोक सकते हम, वो हमारी कंपनी का एक और ट्रक आ गया न्यूमे वाला भाई, और यहाँ पे बस पार्किंग की प्रॉब्लम है, खाने पीने का बहुत है यहाँ पे। और हमारा पक्का ट्रिप भाई यहीं का होता है सस्कटून का, तो हमें भी थोड़ा बहुत पता चल गया है। 60 का जोन है ये भाई, स्लो कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो एक और टिम हॉर्टन आ गया थोड़ी देर में, पहले एक गया, अच्छा 50 का है भाई, कैमरा बार बार बोल रहा है, मुझे लगा 60 का जोन है, ये 50 का ही है। गारमेंट हमारा चल रहा है, गारमेंट पे हमने मैप लगा दिया है, और आगे देखो भाई ट्रैफिक लग गया।
यहाँ पे आया था मैं जिम, ये रही जिम, मुझे थोड़ा वो हो गया था, वो सामने प्लैनेट फिटनेस है ना, वहाँ पे मैं आया था अभी, पर सिर्फ ट्रक लेके आया था क्योंकि ट्रेलर तो मैंने बाद में उठाया है, वहाँ पे मैं जिम लगा के गया हूँ। और यहाँ पे एक और टिम हॉर्टन आ गया, देखो 2 किलोमीटर में 3 टिम हॉर्टन आ गए लगातार, टाइगर ऑटोमेटिव, पिज़्ज़ा पूजा शॉप भाई, बहुत कुछ है यहाँ पे, खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इंडियन भी मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट भी बिल्कुल इस रोड के ऊपर ही है। यहाँ पे भाई इस रोड पे कैमरे लगे हुए हैं, 90 का जोन है ये, तो 90 से हमने 92 भी नहीं जाने देना क्योंकि कैमरे ने फोटो खींच ली तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्रूज लगा के बैठ जाएंगे। अभी स्टिल 70 का है, वो राइट मार के आगे एक थोड़ा सा ऐसे, ये दिख रहा है ना आपको मैप में, थोड़ा सा ऐसे है, उसके बाद सारा 90 का हो जाएगा। सामने डे एंड रोज की बाइक जा रही है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। आज बिल्कुल आप मेरे वाला व्यू देख रहे हो, जो मुझे नज़र आता है ना वो आपको नज़र आ रहा है, तो होपफुली बड़े ही नज़र आता है मेरे को, तो आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। यहाँ पे एक ना वो आएगी रिवर, उसका नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको शीशा डाउन करके, अगर नज़ारा देखने लायक हुआ तो। ये आ गया सामने ब्रिज और इसके नीचे से जा रही है रिवर, ये मुझे लगता है सस्कटून की जो सबसे बड़ी रिवर है वही है ये देखो भाई क्या बात है यार, इसके नीचे लोग भाई साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, यहाँ पे जगह बन रखी है नीचे। वाह जी वाह, चलो भाई अभी जोन हो गया 90 का, तो अभी 90 पे क्रूज लगा के बैठते हैं, यहाँ से लग जाता है क्रूज आपको पता है। और सामने डे एंड रोज का जा रहा है, 2-3 यहाँ पे कैमरे आते हैं, मेरे को याद हो गए वैसे कहाँ कहाँ पे आते हैं, वहाँ पे थोड़ा बंदा रेस से पैर उठा ले, वैसे 95 तक भी जा सकता है, पर 95 पे जाके कोई इतना फ़ायदा तो होना नहीं है, 2-3 किलोमीटर का फ़ायदा होगा। यहाँ पे बोर्ड भी लग रखा है, देखो भाई 90 पे कैमरा लगा है, बोले 90 पे जाना है भाई, तो हमने क्रूज लगा लिया 90 पे, साथ में कॉफ़ी का मज़े लेते लेते जा रहे हैं। और ये भाई कबीलास करके स्टोर है, यहाँ पे सारे हथियार और जो गिली सूट और जो पबजी वाला सामान है वो सब मिलता है यहाँ पे, अगर किसी को हाइकिंग ट्रैकिंग कुछ भी करना है, अगर किश्ती भी लेनी है, किसी को बोट बाय करनी है, तो हर चीज़ यहाँ पर मिलती है, तो बढ़िया स्टोर, बहुत बढ़िया स्टोर है। एक होता है कबीलास और एक होता है बास प्रो शॉप, ये दोनों बड़े तगड़े स्टोर रखते हैं, मुझे बड़ा ही नज़ारा आता है घूमने में, चाहे लेना कुछ भी ना हो बस घूमने में मज़ा आ जाता है भाई। और ये देखो भाई 150 फुट का लेके जा रहा है भाई, इसको बोलते हैं पाइक या कहते हैं और क्या कहते हैं LCV, लॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हीकल। तो ये भाई डे एंड रोज कंपनी है, बड़ी तगड़ी गोरों की कंपनी है, पर ये सेंट नहीं देते इतने ज़्यादा, पे इनकी नॉर्मल ही है, पर ये भाई देखो 150 फुट लंबा बन जाता है ये, सामने कैस्केडिया लेके जा रहा है फ्रेट लाइनर का, ये ट्रक भी मुझे बहुत पसंद है, पहले मैं ये ट्रक चलाता था, देखो भाई लेके जा रहा है भाई, गुड यार। और इस रोड पे लीगल है भाई ये, यहाँ से विनीपेग से लेके हम एडमिंटन तक, एडमिंटन से लेके कैलगरी और कैलगरी से लेके विनीपेग तक, तो ये 1300 किलोमीटर के दोनों साइड बनते हैं, विनीपेग से कैलगरी भी 1300 किलोमीटर है, एडमिंटन भी 1300 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम LCV चला सकते हैं, लॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हीकल। पर कैलगरी से सरी जाना है अगर वैनकोवर 950 किलोमीटर, वहाँ पे नहीं अलाउड क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, मेरे को लगता है शायद गोल्डन के पास जाके, सॉरी गोल्डन नहीं, अपना कौन सा आता है यार, वो एक स्केल आती है वहाँ पे, कैमलूप्स, शायद कैमलूप्स के बाद अलाउड होता है, वो भी मुझे लगता है जैसे छोटे 30-30 फुट वाले जो होते हैं वो वाले होते हैं अलाउड, मुझे उतनी जानकारी नहीं है उसकी। पर जो टोरंटो वाला रोड है विनीपेग टू टोरंटो, वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, जो छोटे ट्रेलर होते हैं 30-30, मुझे लगता है एक 30 का होता है एक 20 का होता है शायद, वो अलाउड है, पर जैसे 53 के दो अलाउड नहीं है, 53 के दो सिर्फ इसी एरिया में अलाउड है, यहाँ मैंने देखे हैं ये मॉन्ट्रियल से क्यूबेक जाते हैं जब हम, उस रोड पे अलाउड है शायद, 2 नंबर हाईवे है, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, वहाँ पे अलाउड है ये। और अरे भाई बातों बातों में भूल ही गए, 95 पे हो गए, 95 पे नहीं जाना, 90 पे रहना, अगर 95 पे हो गए तो टिकट आ जाएगी, वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। डे एंड रोज दिखाते दिखाते मैं भूल ही गया, कैमरे भी लगे हैं, अभी बस थोड़े ही रह गए, सस्कटून तो हमने ऑलमोस्ट पार कर ही लिया है, बस थोड़े थोड़े देखो प्लाजे चल रहे हैं साथ साथ में, नीचे गाड़ियाँ बड़ियाँ चल रही हैं, अभी लोग घर से काम से घर जा रहे हैं, और हमने क्या है अभी ड्राइव शुरू की है, और सुबह 5 बजे हमने विनीपेग पहुँच जाना है, तो सारी रात चलेगा काम, इसलिए हमने कॉफ़ी पी ली है बढ़िया सी, और अभी सारी रात ड्राइव करनी है, तो मज़े मज़े से करेंगे। और सारा दिन मैं सोया यहाँ पे, क्योंकि फिर से बोर्ड आ गया 90 पे, फोटो है भाई, तो सर्कल ड्राइव पे जा रहे हैं हम, अपनी लेन में कर लेते हैं राइट साइड पे भाई, क्योंकि
जाना तो सबने 90 पे ही है। लो जी, अगर लेन चेंज करते हैं भाई तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। तीन शीशे हम चेक करते हैं भाई। सबसे पहले तो ये बड़े वाला शीशा है जो, ये चेक करते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक शीशा लग रखा है छोटा, तो वो बताते हैं साथ साथ में जो ब्लाइंड स्पॉट है हमारा। फिर सामने वो जो हुड मिरर लग रखा है उसको भी चेक करना है, और फिर अपना सिग्नल देके यहाँ से राइट का, और तीनों शीशों को बार बार देखते रहो। वैसे यहाँ पे एक नीचे भी शीशा दे रखा है, अगर कोई गाड़ी बराबर जा रही है नीचे यहाँ पे तो वो भी देख सकते हैं हम। तो चार शीशे हैं भाई इस ट्रक में जो हमें चेक करने हैं लेन चेंज करने से पहले। इस तरफ पे बस भाई तीन ही है, ये एक दो और तीन। पर इस साइड पे हम सीधा देख सकते हैं नीचे, उस साइड पे विंडो आ जाती है तो वो दिखता नहीं है नीचे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे विंडो में भी शीशा दे रखा है कि नीचे से देख लो भाई।